What were we learned yesterday? That Delhi Sultanate and rulers of Delhi Sultanate. Okay, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजपूत से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद तोमर आए, देन चौहान, देन तुर्कीस, खिलजी, तुगलक, सईद एंड लोदी. ओके, लास्ट में था बहलोल लोदी. सबसे ज्यादा टाइम तक जिसने रूल किया वो था टर्कीस, जो टर्की से आए थे, पर्सियन लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. ओके, उसके बाद हमने देखा था फीमेल रूलर्स कौन थे, रजिया सुल्तान. ओके, रजिया सुल्तान किसके लड़की थी बोलो? हूज डॉटर इज रजिया सुल्तान? अनम्यूट कर दो स्पीकर. रजिया किसकी लड़की थी? हूज डॉटर? हूज डॉटर इज रजिया सुल्तान? अनम्यूट कर दो, सब वीडियो ऑन कर दो. मैंने कल पॉइंट्स में लिखवाया था ना, रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? तुलसी, बोलो आंसर. इसका मतलब पढ़ा नहीं है. नहीं पढ़ा ना? मैम मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, लेकिन स्पेलिंग आता है. इल्तुतमिश. हाँ, इल्तुतमिश. इल्तुतमिश कौन? मैं इल्तुतमिश. पेज नंबर 33 पे मैंने अंडरलाइन करवाई थी और याद भी रखवाया था कि 1 2 3 6 3 3 6. फटाफट याद रह जाएगा कि रजिया सुल्तान रूलर में कब कौन से समय पे आई. तो इट इज वेरी इजी, 1 2 3 6 3 2 6. तो 1236 में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो सुल्तान बनी, मिन्हाज़े सिराज ने उसे रिकॉग्नाइज किया कि सी वॉज एबल देन हर ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स से अच्छी है. बट जब उसने मिन्हाज़े सिराज ने अपने थॉट बताए रजिया के बारे में कि ये तो गॉड के जो रूल है, ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर, उसके विरुद्ध में है. राजा का लड़का ही राजा बनना चाहिए, तो लड़की राजा बन गई. फिर भी उसने कहा कि इतने सारे क्वालिटीज रजिया में आए कहां से. ओके, तो ये हमने पढ़ा था रजिया के बारे में. राइट, बर्थ राइट पढ़ा था, जन्म सिद्ध अधिकार पढ़ा था, जेंडर डिस्टिंक्शन नेशन पढ़ा था, मतलब सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है वीमैन और मैन के बीच में. ओके, यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि मैन जो है वो सुपीरियर होता है देन वीमैन, और वीमैन जो होती है वो सब ऑर्डिनेट होती है मैन की. मतलब विमेन जो होती है ना वो खाली साथीदार होती है पुरुषों की, उसे कोई हक नहीं मिलता है और वो सुपीरियर नहीं होती है. मैन जो होता है वो सुपीरियर होता है. यहाँ ऐसी सब चीजें कहाँ पे लिखी गई है? जेंडर डिस्टिंक्शन में, या ये सब बताया गया. और बर्थ राइट में क्या है कि बर्थ राइट में ऐसा है कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था कि जो गवर्नर बनता है, राजा बनता है, वो कौन बनता है? राजा का लड़का बनता है. ओके, चलो उसके बाद देखो. From garrison town to imperial and the expansion of the Delhi Sultanate. Page number 34. Pencil लेके बैठना underline करने के लिए. यहाँ पे दो आपको समझाया गया है, side में दिया है hinterland. दिख रहा है hinterland? Hinterland का मतलब क्या होता है? Tick mark करो. The land adjacent into a city or port that supply it with goods and services. मतलब जो अंदर का पार्ट होता है ना, जैसे कि कोई शहर है उसका अंदर का जो पार्ट है उसे हिंटरलैंड कहा जाता है.
और जो गेजल टाउन्स होते हैं अ फोर्टी फील्ड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स। गेजल्स टाउन किसके लिए होते हैं? सोल्जर्स के लिए होते हैं, रहने के लिए। गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन मतलब जो सोल्जर्स थे तब के समय के वो गैरिसन टाउन में रहते थे। ओके चलो इन द अर्ली 13th सेंचुरी कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स रैडली बैंड बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफिल्ड टाउन ऑक्यूप्ड बाय गैरिसन। मतलब 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली के सुल्तान्स थे वो कभी कभार ही गैरिसन में जाते थे देखने के लिए। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। मतलब हिंटरलैंड जो थी ना वो सिटी के बाहर के एरिया थे। मतलब तब के जो सुल्तान थे उनके पास बहुत सारा राज्य था राज करने के लिए। आप देख सकते हो मैप में कि कितने सारे एरियाज हैं। इसी की वजह से वो सब पे ध्यान नहीं रख पाते थे और सब जो होते थे वो कंट्रोल खो देते थे और डिपेंडेंट बन जाते थे, अपने हिसाब से अपना काम कर पाते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इज डिस्टेंस बंगाल सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अंडरलाइन करो, जो गैरिसन टाउन जैसे टाउन थे वो क्या क्या थे? जैसे कि बंगाल है और दिल्ली है, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? बहुत सारा डिस्टेंस है। तो तब के जो सुल्तान थे उन्होंने सब जीत तो लिया था, विक्ट्री हासिल कर ली थी सभी प्रदेशों पे, सभी टेरिटरी पे, पर सब पे ध्यान रखना दैट टाइम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दैट टाइम टेक्नोलॉजी वर नॉट देयर। टेक्नोलॉजी तब वहां पे नहीं थी ना, तो ऐसे जैसे कि बहुत डिस्टेंस वाले राज्य होते उसमें ध्यान रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। रिबिलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। मतलब यहाँ पे ऐसा भी दिया है कि कभी कभार अगर वेदर बहुत ही खराब हो, कोई वॉर हो गया हो, कोई वो युद्ध हो गया हो, कोई सोशल रियोर्स हुए हो, जब ऐसा कुछ होता था तब कम्युनिकेशन के रूट सब बंद हो जाते थे और उसी के हिसाब से बहुत लंबे समय तक कोई भी रूलर ऐसा नहीं था कि जो ध्यान रख पाता, क्योंकि उन्होंने बंगाल भी जीता हुआ रहता था और दिल्ली भी जीता हुआ रहता है। अगर वो दिल्ली में बैठा हो तो बंगाल में कैसे ध्यान रख पाएगा? अगर वेदर अच्छा नहीं है, कोई वॉर हो गया है, कोई सोशल रिवर्ट्स हो गए हैं, तो फिर नहीं हो सकता था अच्छे से रूल। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चेंज बाय मंगल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबल्ट एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। मतलब दिल्ली अथॉरिटी पे, दिल्ली के अथॉरिटी पे जो थे उन्हें चैलेंज किया था मंगल ने। ओके मंगल कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। मंगल के नीचे अंडरलाइन करो, अफगानिस्तान के नीचे अंडरलाइन करो तो याद रह जाएगा सिंपली कि जो मंगल जो आए थे वो अफगानिस्तान से आए थे और उन्हें सुल्तान की वीकनेस पता चल गई थी। कौन सी वीकनेस थी? कि वो लोग लंबे डिस्टेंस पे ध्यान नहीं रख पाते थे। तो सुल्तान बैडली सर्वाइव दिस चैलेंजेस, और जो सुल्तान थे वो इस चैलेंजेस से बाहर नहीं निकल पाते थे। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड अंडर द रीन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे वो आगे जाके सुल्तान बन गए। इनकी जगह पे आ गए गियासुद्दीन बलबन की जगह पे। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेनिंग अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑल्सो सुल्तान एम एट कंसोलिडेशन एंड द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। तो उनका सबसे पहला एम कौन सा था? कि जहाँ पे सुल्तान नहीं पहुंच पाते तो गैरिसन लैंड था जहाँ पे सोल्जर्स रहते थे, या फिर हिंटरलैंड थे जो शहर की सीमा से बहुत बाहर आए हुए थे। ड्यूरिंग दिस कंपेनिंग फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डॉम एंड द हंटर गेदर्स एंड पेस्ट्रो लाइफ लिस्टेड्स एक्सप्लेन फ्रॉम देयर हैबिटेट। मतलब क्या किया, जो बाहर से आए हुए लोग थे उसने गंगा और यमुना का जो बीच का जो पार्ट है जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं वहां पे हंटर गेदर्स मतलब जो लोग होते हैं जो हंटर होते हैं वो मिलते थे और अपना हैबिटेट रखते थे, फॉरेस्ट को क्लीन करके वहां पे वो रहने लगते थे।
These land were given to pleasant and agriculture was encouraged. ये जो विस्तार थे गंगा यमुना का जो प्रदेश था जहाँ पे मैदान जैसे पार्ट बनते थे वहां पे क्या करते थे सब लोग खेती करते थे और प्लीजेंट को दिया जाता था. प्लीजेंट मतलब जो राजा के राज्य से खुश होते थे वैसे लोग को. न्यू फ्रंटियर्स गैरिसन टाउन एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड. मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट को क्लीन करके एक हैबिटेट बनाया गया. हैबिटेट का मतलब होता है रहने का रहने की जगह. ओके तो ये जब रहने की जगह बनाई गई क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए हंटर्स लोगों से जो हंटर्स आते थे जो जमीन ले लेते थे सबकी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग जो होते थे प्लीजन उसे रहने के लिए जगह दी जाती थी जंगल को क्लीन करके. द सेकेंड एक्सपेंशन ऑक्यूर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फॉल्टियर्स. ये जो थी इंटरनल फॉल्टियर्स थी. इंटरनल फॉल्टियर्स में क्या होता था कि फॉरेस्ट को क्लीन करके प्लीजेंट को एग्रीकल्चर के लिए या फिर रहने के लिए जगह दी जाती थी. अब सेकेंड पार्ट जो है ना वो एक्सटर्नल फॉल्टियर्स है. एक्सटर्नल फॉल्टियर्स का मतलब क्या होता है द सुल्तान मिलिट्री expeditions into southern area started during the reign of Alauddin Khilji. The culmination with the Muhammad Tughlaq in their companion Sultan armies captured elephant, horse and slave and carried away with the precious metal. तो जो आर्मी थी वो अपने साथ क्या क्या लेके जाती थी अंडरलाइन करो. एलिफेंट लेके जाती थी, हॉर्स, स्लेव मतलब नौकर एंड All the precious metal, जो precious थे कीमती चीजें थी वो सब अपने साथ लेके जाते थे. हो गई अंडरलाइन. अब उसके बाद देखो by the end of Muhammad Tughlaq reign, 150 years after. मोहम्मद तुगलक का जो शासन था वो कितने ईयर तक चला था 150 ईयर तक. आफ्टर समवॉट हम्बल बिगिनिंग्स द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तान हैड मार्च अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे हैड सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है जो खंड होता है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं और सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा लैंड का. ओके तो मोहम्मद तुगलक का जो रूल था वो 150 ईयर तक चला. उसके बाद आर्मीज जो थी दिल्ली सल्तनत की उसने मार्च करना चालू किया मतलब चलने लगे आगे. मार्च किया कहाँ पे सब कॉन्टिनेंट्स पे. दे हैड डिफेटेड रिवल आर्मीज एंड साइज सिटीज का मतलब होता है खींच के लाना. मतलब जो आर्मीज थी उसने अलग अलग शहरों को अपनी तरफ खींच लिया मतलब उनको अपने अपने एरिया में शामिल कर दिया. द सुल्तान कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द प्लीजेंट्री एंड डिस्पेंस justice in its realm. Really, but how complete and effective was control over such vast country. ऐसे धीरे धीरे होके उन्होंने बहुत सारा पार्ट जो है ना वो अपने तरफ ले लिया अलाउद्दीन खिलजी ने. आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे. हाँ ये जो इंडिया का पूरा पार्ट है ना नीचे दिखाया गया ये. ओके तो ये पूरा पार्ट अलाउद्दीन खिलजी ने ले लिया था अपने विक्ट्री से. बट अब देखना ये था कि इतना सारा पार्ट चलाना कैसे. ये जो पूरा पार्ट है वो चलाना कैसे. इंडिया का पूरा मोस्टली वास्ट एरिया का मतलब टोटली एरिया उसने जीत लिया था पर उसको चलाना कैसे है वो देखना था. हाउ टू कंट्रोल ओवर दिस टेरिटरी. साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी का पूरा एरिया था. आप देख सकते हो साउथ कॉन्टिनेंट की बात की है साउथ एरिया की बात है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का पूरा राज था पूरा शासन था. बट इसको चलाना कैसे है वो एक डिफिकल्टी थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए. तो मोहम्मद तुगलक के बाद जो राजा है उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. तो उनके समय पे क्या क्या बना वो नेक्स्ट पेज पे है. आप देख सकते हो मस्जिद है. ओके किले बने हैं यहाँ पे. सो मैनी आर्किटेक्चर वर्क दैट हैड डन. तो सबसे पहले फिगर टू की बात की जाए. फिगर टू हियर कुवात अल इस्लाम
अंडरलाइन करो कुवात अल इस्लाम, जो मॉस्क था, मॉस्क का मतलब क्या होता है, मस्जिद। एंड द मिनरेट, मिनरेट का मतलब क्या होता है, किले। बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी का जो डिकेड था, मतलब समय था, तब बहुत सारे मस्जिद बने, उसमें एक था कुवात अल इस्लाम, कुवात अल इस्लाम। दिस वॉज द congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, describing the chronicle as a Delhi e Kohna jo thi wo Delhi ki sabse old city hai, Delhi e Kohna, Kohna ki niche underline karo, old city hai. The mosque was enclosed by Iltutmish and Alauddin Khilji, enlarged by, तो मॉस्क जो थे वो किसने बहुत बड़े करवाए, तो इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, अंडरलाइन करो। The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. Okay, the minar was built by two sultan, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. Minar का मतलब होता है जो बड़े-बड़े मीनार होते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में भी एक मीनार दिया गया है जो बहुत ही जैसे ये टावर जैसा होता है ना शॉर्ट में, ऐसा हम समझ सकते हैं, तो उसे मीनार कहते हैं। तो मीनार ज्यादातर मीनार किन दो सुल्तान ने बनाए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। और मॉस्क किसने बनाए, मॉस्क इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, उसने मॉस्क बनाई। मॉस्क मतलब मस्जिद, अब मस्जिद होता क्या है वो यहाँ पे समझाया, आपको भी बताया मस्जिद क्या होता है, जहाँ पे सब नमाज पढ़ने जाते हैं, एक होली प्लेस है, पवित्र प्लेस है, बराबर। वहां पे एक इमाम होता है, जो बोल सकते हैं कि जो एक लीडर होता है जो बहुत ही पढ़ा लिखा रहता है, वो रोज सबको नमाज करवाता है, सबको प्रेयर करवाता है, बराबर। और उसका मतलब सब वहाँ पे इकट्ठे क्यों होते हैं, तो वो सब इकट्ठे इसलिए होते हैं कि एक दूसरे की प्रेयर के लिए, या फिर सब सबका भला हो उसके लिए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और वहाँ पे सब रिचुअल प्रेयर्स होते हैं, रिचुअल का मतलब क्या होता है, अपने जब हिंदू लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, वो लोग क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये उनकी रिचुअल स्टाइल है, रिचुअल स्टाइल मतलब उनकी सामाजिक वे है। ओके, तो चलो मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं। मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरबी, अंडरलाइन करो, अरेबिक भाषा में मस्जिद को मॉस्क को मस्जिद कहा जाता है, मतलब मस्जिद का इंग्लिश हो गया मॉस्क। ओके, और मस्जिद कौन सी भाषा है, अरेबिक लैंग्वेज है। लिटरेरी अ प्लेस वेर मुस्लिम पोस्ट्रेट इन रिवर्स टू अल्लाह, मतलब अल्लाह को याद करने के लिए मुस्लिम सब इकट्ठे होते हैं। इन द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर, नमाज, उनकी प्रेयर को क्या कहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मैन एज द लीडर इमाम, मतलब जो सब लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है उनके समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, और एक रिस्पेक्टेड पर्सन जो बहुत ही पढ़ा लिखा रहता है उसे अपने लीडर के तौर पे या फिर इमाम कहते हैं। फॉर द रिचुअल फॉर ऑफ प्रेयर, प्रेयर करने के लिए, या फिर कुछ जो चीजें होती है ना, जैसे कि मंदिर में जाने से पहले चप्पल निकालते हैं, ये सब हमारी रिचुअल्स है। तो मुस्लिम की जो रिचुअल्स है ना, वो सब करवाने के लिए इमाम होते हैं। He also delivers the sermon during the Friday prayer. मतलब Friday जो होता है वो उन लोगों के लिए बहुत ही होली डे होता है, तो उस दिन वो सब लोग sermon मतलब कुटुंबा मतलब सब लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, डिलीवर करते हैं एक दूसरे को बहुत सारी खुशियाँ, या एक दूसरे को दुआएं देते हैं। During prayer, Muslims stand facing मक्का। In India, this is the west is called Qibla. मतलब मक्का आपने सुना होगा ना, मक्का की तरफ फेस रखते हैं, फेसिंग मक्का, मक्का मतलब उनकी बहुत ही पवित्र जगह है मक्का। तो ये इंडिया के कौन से साइड पे आया, तो आप लिख सकते हो वेस्ट ऑफ इंडिया, तो टू द वेस्ट यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, इज इंडिया, दिस इज टू द वेस्ट। फिगर थ्री देखो, फिगर थ्री के लिए नीचे लिखा है, फिगर थ्री यहाँ पे दिख सकती है जो सबसे ओल्ड लग रही है, अंडरलाइन करो ऊपर फिगर थ्री के नीचे। बेगम परी मॉस्क, ये जो नीचे है ना वो बेगम परी मॉस्क है, अंडरलाइन करो। बेगम परी मॉस्क बिल्ड इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक,
बेगम करी मॉस्क किसके समय पे बनी थी? मोहम्मद तुगलक के समय पे। वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहान पनाह सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड दिस न्यू कैपिटल इन दिल्ली। और जो जहान पना था उसके समय पे दिल्ली जहान पना क्या है, एक प्लेस है दिल्ली का, ओल्ड प्लेस है। तो ये जो है ना, उसने ये जब सब बनने लगे तब दिल्ली को कैपिटल घोषित किया गया था। और अभी नवी नए समय में दिल्ली जब नई बन गई तो नए समय में इसे सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है बेगम परी मॉस्क को। ओके, उसके बाद देखो अंडरलाइन करना, द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट्स। मतलब मुस्लिम जो थे, दिल्ली के सुल्तान जो थे, उन्होंने बहुत सारे सिटीज में मॉस्क बनवाए। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स who share a belief system and code of conduct. It was necessary to reinforce of these idea of a community because Muslim came from the variety of backgrounds. मतलब ये जो मस्जिदों के बारे में लिखा गया है कि जो मस्जिद थी वो एक दूसरे को भाईचारा बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। Community का मतलब यही होता है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए मस्जिद बनाई गई थी, जहाँ पे सब इकट्ठे होते थे और एक दूसरे को आइडियाज देते थे कि हमारी कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ओके, फिगर नंबर फोर मैम। मैम कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करें? अंडरलाइन जो देखो सब पहले पेज पे, मतलब पेज नंबर 37 पे सबसे ऊपर अंडरलाइन करनी है कि दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज, पहली लाइन करो। उसके बाद मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी, वहां तक अंडरलाइन करो। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब अपने समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए भी मॉस्क का बनना बनाया था। मतलब मॉस्क क्यों बनाए थे? भाईचारा को बढ़ाने के लिए। ओके, अब फिगर फोर पे अंडरलाइन करो। मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। तो मौत की मस्जिद जो है वो किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी ने बनाई थी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाई है। फिगर नंबर फाइव पे अंडरलाइन करो, मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520 सेंचुरी। मतलब 1520 में मॉस्क ऑफ जमाली कमाली को बनाया गया। चलो उसके बाद देखो, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीस एंड तुगलक। खिलजी और तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वहीवट। ओके, जो राज्य को चलाने के लिए वहीवट करना पड़ता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, वैसे ही। तो द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज अ वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब चलाने के लिए उन लोगों को, रिलायबल का मतलब क्या होता है? जिस पे हम विश्वास रख सकते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी इन हुम वी कैन पुट अवर फेथ, मतलब फेथफुल पर्सन को हम रिलायबल कहते हैं। तो ऐसे गवर्नर की जरूरत थी और एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी दिल्ली सल्तनत को। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्राफ्ट एंड लैंडेड चीफटेन्स एज गवर्नर, The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored special slaves purchased for military service. Underline karo. Iltutmish se underline karo. Iltutmish favored their special slaves purchased for military service called Bandgan in Persian. Bandgan yaad rakhna. To agar
किसी को चीफ बनाना है, गवर्नर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, तो आप किसे बनाओगे? तो जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, ओके, जिस पे आपको विश्वास होगा, वैसे लोगों को आप गवर्नर बनाओगे। मतलब सुल्तान जो थे तब के समय के किंग्स जो थे, रूलर जो थे, वो ऐसे लोगों को बनाता था गवर्नर। और इल्तुतमिश जो था ना, वो सबसे अलग था। इल्तुतमिश को पागल राजा से भी जाना जाता था, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो क्या करता था, अपने नौकरों को मिलिट्री सर्विस देता था, परचेज करता था, नौकरों को खरीदता था। ओके, और ऐसे नौकर थे जो थे, उसे बंदगान कहते हैं पर्सियन लैंग्वेज में। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम। अब ये जो स्लेव थे ना, स्लेव का मतलब तो नौकर होता है, आपको पता है। तो ये जो नौकर जब जो खरीदे जाते थे, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है। और ये जो लोग थे वो टोटली अपने मास्टर पे, मतलब कि किंग पे डिपेंड थे। ओके, अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा करते तो वो उनको जहाँ से पकड़ के लाए हुए रहते, उनकी फैमिली को भी मार देते थे, ये सब होता था उन लोगों के साथ। तो ये जो स्लेव थे वो पूरा अपने मास्टर पे डिपेंड थे, और वो अपने मतलब जो सुल्तान थे ना, वो उन लोगों पे ही ट्रस्ट रखता था। इन पे अपने स्लेव पे, स्लेव मतलब नौकर जिनको वो लोग खरीद के लाते थे सर्विसेज के लिए, और उनको पॉलिटिकल ऑफिसेज के बारे में नॉलेज दिया जाता था, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बंदगा याद रखना है, बंदगा किसे कहते हैं, जो स्लेव खरीद के लाते थे उनको कहते हैं। चलो, स्लेव्स रेदर देन सन्स, अपने सन की बजाय नौकरों को पद देना। ओके, इतने बजे, ओके, 10। चलो इतना देख लेते हैं। द सुल्तान्स वर एडवाइज, अ स्लेव हुम हू हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स अ वॉल लाइफटाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव। वाइज मैन हैव सेड दैट द वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन। मतलब जब इल्तुतमिश का समय था, तब की बात है, उसने क्या किया था, स्लेव्स को अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ, उन लोगों के हाथ में दिया था, एज उनको ट्रेनिंग देके। और वो ऐसा सोचता था कि अगर हम किसी स्लेव को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा दे दे, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टोटली डिपेंड है किंग के ऊपर। अगर किसी लर्न मैन को गवर्नर या फिर चीफ बनाया जाए, तो वो अपना हिस्सा अपने हिसाब से निकाल भी सकता है। बट अगर स्लेव को दिया जाए, मतलब नौकरों को परचेज किया जाए कहीं से, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा दिया जाए, मतलब उनको पॉलिटिशियन बनाया जाए या फिर गवर्नर बनाया जाए, तो वो टोटली किंग के ऊपर डिपेंड होगा। तो वो फेथफुल होगा किंग के लिए, ओके, रेदर देन सन, मतलब अपने सन को कुछ पद देने की बजाय वो क्या करते थे, स्लेव्स को एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना देते थे, मतलब उनको अच्छे से वहाँ पे जॉब दी जाती थी, वेल प्ले पेड जॉब किंग को दी जाती थी, स्लेव्स को दी जाती थी। किसके समय की बात है, इल्तुतमिश के समय पे। ओके, चलो इसके बाद हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से बाकी रखना, जितनी भी अंडरलाइन की है उतना आपको लिखना है एसएस की नोट में हिस्ट्री के पार्ट में। ओके, विल मीट टुमारो विद विल मीट इन द न्यू इन द नेक्स्ट वीक विद न्यू चैप्टर, ओके, with the new topics.